सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो ज्ञान सागर। सो हाउ आर यू माय न्यू ट्रेडर, आई होप यू आर गुड। दोस्तों आज हम जो है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं, और मंडे का स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है हमारा जीबी सॉरी यूएसडी जेपीवाई में, उसका हम आप सबको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें तो आप सबको पता, आप सब देख सकते हैं मैंने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट ओपन कर दिया है। चार्ट ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस इज़ आवर माई फेवरेट टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं इसी को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएसडी जेपीवाई, जैसे कि शुक्रवार को एनएफपी मीटिंग के बाद जो है हमारा हमारा यूएसडी स्ट्रांग हुआ था। तो आपको भी पता है कि यूएसडी जब स्ट्रांग होता है तो बाकी का अदर पेयर जैसे जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी डाउन होता है, गोल्ड डाउन होता है, और जिसके पहले यूएसडी आता है वो पेयर ऊपर जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्लियरली, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसने, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे समझाने में आपको आसानी हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल पे, देखिए यहाँ पे कि यहाँ से जो मार्केट है एकदम से पूरा ऊपर गया है आफ्टर मीटिंग के बाद। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मंडे को हमारा कौन सा क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट मार्केट इज हमारा जो है वो डाउन ट्रेंड में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर देता हूँ, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है और जैसे ही इसने ट्रेड लाइन को तोड़ा है ऊपर की तरफ गया है। तो दोस्तों मंडे का जो स्ट्रेटजी रहने वाला है वो हमें क्या देखनी है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वेरी स्ट्रांग जोन है, ये वाली जो स्ट्रांग ये जोन जोन है, ये बहुत ही स्ट्रांग जोन है, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे अभी इसका स्ट्रेटजी हमें जो कहता है वो हम मंडे को सबसे पहली चीज़ जो है वो हम वेट करेंगे हम इस लेवल तक। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, हमें मंडे को इस लेवल तक वेट करना है, इस लेवल तक हमें वेट करना है। जैसे ही इस लेवल पे आता है तो हम यहाँ से एक सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल का पोजीशन कुछ यहाँ तक होगा और यहाँ के बाद हम इसका एसएल जो है इस लेवल पे रखेंगे, इस लेवल पे हम इसका एसएल रखेंगे। एसएल जो होगा हमारा 110 910 पे इसका एसएल रहेगा, और टारगेट फर्स्ट टारगेट जो है हमारा वो हमारा होगा हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 109.686, यानी हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट इस लेवल से, एक सेकेंड, हम इस लेवल से जो है यहाँ से हम यहाँ से एक सेल का पोजीशन बनाएंगे ये, और पहला टारगेट हम इस लेवल पे रखेंगे, सेकेंड टारगेट हमारा इस लेवल पे होगा और हमारा एसएल यहाँ पे होगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटजी। उसके बाद हम डे देख लेते हैं एक दिन में क्या स्ट्रेटजी कहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लियरली कह रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट इज ऑल्सो डाउन ट्रेंड। सो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि हमें ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड, मैंने पहले भी इस वीडियो बताया है कि ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड, तो हमें ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ये स्ट्रांग है यहाँ पे, ये इस लेवल पे लेवल दिस
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट है डेली चार्ट, डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे कई बार टेस्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने एक बार यहाँ पे टेस्ट किया है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसने एक बार यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट, इसने एक बार ये टेस्ट किया है इस लेवल पे, थोड़ा मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। एक बार इसने इस लेवल को टेस्ट किया है, फिर ये टेस्ट किया है, फिर ये टेस्ट किया है, उसके बाद ये जो है नेक्स्ट टारगेट हमारा, ये जो है ये इसको टेस्ट करेगा, जब इसको टेस्ट करेगा तो हम यहाँ से एक सेल का पोजीशन बनाएंगे और उसका फर्स्ट टारगेट हम इस लेवल पे रखेंगे, सेकेंड टारगेट हमारा ये होगा और हमारा एस एल जो है हमारा इस लेवल पे होगा, इस लेवल पे हमारा एस एल होगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सो हम यहाँ पे आपको एक चीज़ तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें इस लेवल पे अभी ट्रेड नहीं करना है, हमें इसका अभी वेट करना है। और मैं मानता हूँ कि बेटिंग इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, आपको इसमें अगर बेट करते हैं पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आप पहले पेशेंस बना करके बैठें, जब पोजीशन बने उसके बाद ही आप ट्रेड करें, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, हमेशा से करते आता हूँ और करता रहूँगा। चलिए तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे इसको टेस्ट किया है, इस लेवल को इसने यहाँ पे टेस्ट किया है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, दिस इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इस लेवल पे हम यहाँ तक मार्केट। अब हम यहाँ से ये हो सकता है तो मार्केट मंडे को थोड़ा नीचे आने के बाद एक बुल दिखा, और बुल दिखाने के बाद ये मार्केट जो है हमारा, जो हम अभी बता रहे हैं आपको, हमें इस लेवल पे ट्रेडिंग करना है, इस लेवल पे ट्रेड करने के बाद हमें इसका एस एल जो है इस लेवल पे रखना है, हमें इस लेवल पे इसका एस एल रखना है, और हमें पहला टारगेट जो होगा हमारा, वो पहली टारगेट हमारा इस लेवल पे होगा। पहली टारगेट हम इस लेवल पे यहाँ पे भी रख सकते हैं, दूसरा यहाँ रखेंगे और तीसरा हम यहाँ पे रखेंगे, तीन टारगेट हमारा होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।